पटना में दुर्गा पूजा और दशहरा के मद्देनजर शहर की कई सड़कों पर वाहन के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं कई रूट पर बड़े वाहनों के लिए नो एंट्री का बोर्ड टंगा रहेगा। 9 से 11 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा मेला के मद्देनजर प्रशासन ने पटना आने जाने वालों और पूजा पंडाल घूमने वालों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। पटना में इस साल 358 बड़े पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जबकि छोटे पंडालों की संख्या 1000 से भी ऊपर है। 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक आयकर गोलंबर से डाक बंगला चौराहा की ओर वाहन नहीं जाएंगे। 3 दिनों तक दीदारगंज की ओर से भारी वाहन, बस या फिर ट्रक को भी पटना शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ट्रैफिक DSP 2 अनिल कुमार ने बताया कि 9 से 11 अक्टूबर तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। विसर्जन के दौरान 12 अक्टूबर को भी कई जगहों पर मार्ग परिवर्तित रहेगा। डाक बंगला चौराहा, आयकर गोलंबर और कोतवाली के आसपास यातायात में भारी बदलाव किया गया है। नेहरू पथ से पटना जंक्शन पुरानी न्यू बाईपास जाने वाले वाहनों को डाक बंगला नहीं जाने दिया जाएगा। करबिगहिया जाने वाले वाहन आयकर गोलंबर से, वीरचंद पटेल पथ से और आर ब्लॉक और GPO के रास्ते होकर जाएंगे। नेहरू पथ से डाक बंगला के रास्ते गांधी मैदान जाने वाले वाहन वोल्टस मोड़ से विद्यापति मार्ग और छज्जू बाग होते हुए जाएंगे। हनुमान मंदिर से मछुआ टोली जाने वाला रास्ता भी आम वाहनों के लिए बंद रहेगा। सगुना इलाके में डुमड़ा चौकी व जगदेव पथ के नीचे से वाहन नहीं चलेंगे। DSP ने लोगों से सड़क पर वाहन नहीं खड़ा करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सड़क मार्ग पर पार्क हुई गाड़ियों को यातायात पुलिस चालान के साथ जब्त कर लेगी। अशोक राजपथ पर पश्चिम दरवाजा से पूरब दरवाजा के बीच भी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। खजांची रोड पर भी यातायात परिवर्तित रहेगा। नाला रोड पर दिनकर गोलंबर से खजांची रोड पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि खजांची रोड पर दूसरी ओर से वाहन चलेंगे। बताए तो दुर्गा पूजा के मौके पर पटना में 9 से 11 अक्टूबर तक बड़े पैमाने पर वाहनों के लिए सड़कों को बंद कर दिया गया है। पटना पुलिस ने दशहरा ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया है। तो इस बार भी अगर आप पटना में अगर दुर्गा पूजा के मौके पर मेला घूमना चाहते हैं या मेला घूमने का प्लान बना रहे हैं या फिर पटना से बाहर जाने का कहीं प्लान बना रहे हैं, तो रास्ते में सड़क पर निकलने से पहले आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि ट्रैफिक नियम क्या कुछ है और ट्रैफिक में क्या कुछ बदलाव किया गया है। आपको बताएं तो पटना ट्रैफिक पुलिस ने कई सारे रास्तों को परिवर्तित कर दिया है, कई सारे मार्गों को बदल दिया है। और इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आपको नए कौन से मार्ग को लेकर के और देख करके चलना होगा, आपको कौन कौन से रास्ते में जाने से पटना ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए स्वाति पांडे की रिपोर्ट।